राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज चर्चा करेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ को किस प्रकार से करना चाहिए, क्या नियम है, किस प्रकार से पाठ करने से चमकेगा आपका भाग्य, किस प्रकार से होंगी आपकी हर समस्याएं दूर, मर्मांचित फल की आपको होगी प्राप्ति। प्रत्येक अध्याय का अलग अलग महत्व है, किस अध्याय के पाठ से किस फल की प्राप्ति होती है, यह सब और विस्तार से पाठ के नियम और उसकी विधि क्रम सभी कुछ जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। आज दिन मंगलवार अधिक आश्विन माह कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि दोपहर 2:35 तक रहेगी। इसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ होगी। आज नक्षत्र मघा रात्रि 11 तक रहेगा। इसके पश्चात पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र आरंभ होगा। आज योग शुभ कर्ण बालब और कौलव है। राहुकाल का समय 3 से आरंभ होकर 4:30 तक, अभिजित मुहूर्त का समय 11:35 से आरंभ होकर 12:21 तक। शुभ कार्य के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 10:30 से आरंभ होकर 12 तक। शाम को शुभ कार्य के लिए शुभ समय 3 से आरंभ होकर 4:30 तक। तिथि के अनुसार आज सेम से बनी हुई सब्जी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दिशासूल उत्तर दिशा में उत्तर दिशा की यात्रा आरंभ ना करें। यात्रा अति अनिवार्य है, गुड़ खाकर जाएं, मंगलमय रहेगी। चलिए दर्शकों, अपने विषय की ओर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के विषय में, यानी दुर्गा सप्तशती के पाठ से किस प्रकार से हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, 700 श्लोक इसमें वर्णित हैं। श्रवण के मर्मंतर के अंतर्गत यह आता है। इसके पाठ से व्यक्ति की अनेक प्रकार की जो इच्छाएं हैं सभी पूर्ण हो जाती हैं, लेकिन पाठ को करने का नियम, उसकी विधि, उसका विधान, उसे जानना बड़ा अनिवार्य है। अगर हम कोई भी कार्य करते हैं नियम पूर्वक श्रद्धा से विश्वास के साथ करते हैं तो निश्चय ही हमें लाभ की प्राप्ति होती है। यदि हम मनमाने ढंग से किसी भी कार्य को करेंगे और फल चाहेंगे शास्त्र के अनुसार तो ऐसा संभव नहीं है। अगर शास्त्र ने जो नियम बताए हैं उनको आप माने, उस नियम के अनुसार पाठ करें, जप करें, तप करें, तो जो शास्त्र में वर्णित फल है वह आपको प्राप्त होगा। लेकिन आप फल तो शास्त्र वाला चाहते हैं लेकिन कार्य मनमाने ढंग से करेंगे तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। तो सबसे पहले जानते हैं जो विस्तार पूर्वक पाठ है उसके क्या नियम हैं। जो विस्तार पूर्वक पाठ किया जाता है उसमें सबसे पहले आप पूजन में जब बैठेंगे आसन की शुद्धि करें, अपनी शुद्धि करें, पवित्रीकरण करें, उसके पश्चात आचमन इत्यादि करके भगवती का ध्यान करें, पुष्पादि भगवती को अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य आदि का भोग लगाकर पाठ आरंभ करना चाहिए। सबसे पहले कवच, अर्गला, कीलक और उत्कीलन मंत्र को अवश्य पढ़ना चाहिए। कवच यानी आपकी सुरक्षा, अर्गला कीलक सुरक्षा कवच, उत्कीलन मंत्र यानी जो 700 मंत्र हैं उनको पहले उत्कीलन किया जाएगा, यानी कि उनको पढ़ने से पूर्व उनको जागृत किया जाएगा। क्योंकि बिना जागृत किए यदि हम किसी मंत्र को पढ़ते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं है। उसके पश्चात न्यास करना चाहिए, अंगों की शुद्धि जिसे कहा जाता है, यानी दुर्गा सप्तशती में जो पाठ है उसको आरंभ करने से पूर्व नवार्ण मंत्र का जप करें, यानी एक माला 108 बार अवश्य जपना चाहिए। पाठ के पश्चात भी नवार्ण मंत्र जपना चाहिए, तो इससे पाठ संपुटित हो जाता है यानी बंध जाता है और वह आपको श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। पाठ के आरंभ से पूर्व विनियोग पुस्तक में लिखा हुआ है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा हुआ है, तो जो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक है उसमें विनियोग है, तो आप जल लेकर उस मंत्र को पढ़ें, उस विनियोग को पढ़ें, उसके पश्चात जल भूमि पर छोड़ दें, उसके पश्चात भगवती का ध्यान करें, फिर पाठ को आप आरंभ कर सकते हैं। पाठ करने के क्रम किस प्रकार से करना चाहिए यह हम आगे बताएंगे आपको। पाठ के पश्चात क्षमा प्रार्थना की जाती है, उसके पश्चात आरती का विधान है। तो यह है पाठ करने का विस्तार पूर्वक विधान। सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ 1-13 अध्याय का पाठ करते हैं तो वह विशेष लाभप्रद, विशेष कामनाओं की सिद्धि के लिए किया जाता है। आपके पास पर्याप्त समय है तो आप
प्रतिदिन जो पाठ करेंगे वह 13 अध्याय का पाठ करें तो श्रेष्ठ लाभ की आपको प्राप्ति होगी। यदि समय नहीं है तो आपको किस प्रकार से पाठ करना चाहिए वह अब आप जानिए। यदि समय आपके पास कम है तो कवच अर्गला किलक यानी आसन शुद्धि के पश्चात आप बैठे भगवती को धूप दीप आदि अर्पित करके उसके पश्चात आइए जानते हैं पाठ करने की सरल विधि। सबसे प्रथम दिन आपको एक पाठ करना चाहिए यानी पहला अध्याय। ऐसे ही क्रम में दूसरे दिन आपको 2 पाठ करने चाहिए यानी दूसरा और तीसरा अध्याय। ऐसे ही तीसरे दिन आपको 1 पाठ करना है यानी चौथा अध्याय। चौथे दिन आपको 4 पाठ करने हैं, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। ऐसे ही 5वें दिन आपको 2 पाठ करने चाहिए यानी 9वां और 10वां अध्याय आपको पढ़ना चाहिए। 6ठे दिन 1 पाठ करें यानी 11वां, 11वां अध्याय आप पढ़ें। 7वें दिन 2 पाठ करने चाहिए यानी 12वां और 13वां। तो इस क्रम में 13 अध्याय आपके पूर्ण होंगे। दुर्गा सप्तशती का 1 पाठ परिपूर्ण माना जाएगा। तो यह आपके 7 दिन में आपकी दुर्गा सप्तशती परिपूर्ण हो जाती है। यदि आप 9वीं का पूजन करते हैं, क्योंकि 8वीं का आप पूजन करेंगे तो 7 दिन में आपकी दुर्गा सप्तशती का पाठ परिपूर्ण हो गया है। तो अगले दिन आप कन्या पूजन हवन आदि करके कन्या पूजन आप कर सकते हैं। यदि आप 9वीं पूजते हैं तो 8वीं के दिन आप 11 या 21 माला नवान मंत्र का जप करें तो उससे भी आपको पाठ का जो श्रेष्ठ फल है आपको प्राप्त होगा। यदि नवचंडी, सतचंडी, लक्षचंडी आदि का पाठ कराते हैं तो विशेष कामनाओं की सिद्धि होती है। आगे हम जानते हैं कि कम समय, इससे भी कम समय हमारे पास है तो किस प्रकार से हम दुर्गा सप्तशती के पाठ का, दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त कर सकते हैं। कम समय होने पर आप केवल कवच पढ़कर भी लाभ ले सकते हैं या सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र आप पढ़ते हैं। सिद्ध कुंजिका यानी वैसे भी जब आप पाठ आरंभ करेंगे उसके पश्चात जब पाठ परिपूर्ण हो जाए तो उसके पश्चात भी आपको सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। आरंभ में पढ़ें तो और भी अति उत्तम है, क्योंकि कुंजिका यानी चाबी, जब चाबी आपके पास होगी तभी ताला खुलेगा। तो सिद्ध कुंजिका वही स्त्रोत्र है, यह आपकी एक चाबी है पाठ को खोलने की, यानी उससे जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। तो केवल सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र के पाठ के पढ़ने मात्र से भी दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत्र में कहा गया है, दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, सिद्ध कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लवेत। तो दुर्गा पाठ का जो फल है वह सिद्ध कुंजिका के मात्र पढ़ने मात्र से आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर समय नहीं है पूरे पाठ का तो आप इस भगवती के सामने इसको पढ़ते हैं तो निश्चय ही संपूर्ण पाठ का फल आपको प्राप्त होता है, ऐसा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है। इससे भी कम समय है तो 108 नाम भगवती के दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। उससे भी कम समय है तो सप्तश्लोकी दुर्गा सप्तशती का एक स्त्रोत्र है, वह भी आप पढ़ सकते हैं, उसका पाठ आप कर सकते हैं। उससे भी कम समय है तो आप केवल नवान मंत्र जप कर भी भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो यह है पाठ का क्रम। अब हम जानते हैं पाठ जो हम पढ़ेंगे उनका क्या क्या फल है, उनसे प्राप्त होने वाले फल के विषय में विवरण जानते हैं, किस अध्याय का क्या फल हमें प्राप्त होता है। तो चलिए जानते हैं। सबसे प्रथम दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय को पढ़ने से जो आपकी चिंताएं हैं, मानसिक चिंताएं हैं या किसी विषय को लेकर आप चिंता करते हैं अत्यधिक, तो वह चिंताएं आपकी दूर होती हैं। ऐसे ही दूसरे अध्याय का आप पाठ करते हैं तो उससे प्राप्त होने वाला फल बड़ा ही अद्भुत है। कोई बलवान शत्रु है, उसके द्वारा आपके घर पर कब्जा किया गया है, या कोई आपकी भूमि है, प्लॉट है, खेती की कहीं ज़मीन है, उस पर किसी शत्रु ने अधिकार कर लिया है, तो आप दूसरे अध्याय का नित्य पाठ करेंगे तो वह शत्रु, उसका बल क्षीण हो जाएगा और वह आपको, आपकी भूमि, आपका भवन लौटा देगा। ऐसी कृपा भगवती की होगी। ऐसे ही तीसरे अध्याय का पाठ करने से विजय की प्राप्ति होती है। विजय यानी आजकल तो आपको युद्ध करने जाएंगे नहीं, विजय क्या है यानी आप किसी प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। यदि आप किसी विशेष उद्देश्य से कहीं जा रहे हैं तो उसमें आपकी प्राप्ति होगी, लाभ की प्राप्ति होगी, वह कामना आपकी सिद्ध होगी। तो तीसरे अध्याय का पाठ
प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ प्रदान कराएगा, यानी विजय प्राप्त कराएगा। ऐसे ही चौथा अध्याय धन, सुंदर स्त्री तथा रिद्धि सिद्धि प्राप्ति के लिए किया जाता है। यदि आपको धन की कामना है, धन से आप परेशान हैं, आर्थिक समस्या आपके सम्मुख है, तो आप चौथे अध्याय का निरंतर पाठ करें, प्रतिदिन पाठ करें। विवाह नहीं हुआ है, सुंदर पत्नी या सुंदर पति चाहिए, तो आप चौथे अध्याय का पाठ कर सकते हैं। रिद्धि सिद्धि यानी भगवती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप चौथे अध्याय का पाठ करें। निरंतर हमेशा करते रहें तो लाभ प्राप्त होगा। वर्ष में एक बार यज्ञ अवश्य करना चाहिए। ऐसे ही पांचवें अध्याय का आप पाठ करते हैं तो भूत प्रेत आदि की जो बाधा है, ऊपरी जो बाधाएँ हो जाती हैं, भय, बुरे स्वप्न आदि यदि आपको आते हैं, तो उन सभी से निवृत्ति के लिए, उन सभी से छूटने के लिए, उन सभी को दूर करने के लिए आप पांचवें अध्याय का पाठ प्रतिदिन करें तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसे ही छठा अध्याय सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला है, यानी आपकी जो भी कामनाएं हैं सभी सिद्ध होंगी। ऐसे ही सातवां अध्याय आपकी मन की जो मुरादें हैं, जो कामनाएं हैं, कोई विशेष कामना आपके मन में है तो आप उस कामना का ध्यान करके भगवती के सम्मुख सातवें अध्याय का पाठ आप करते हैं तो निश्चय ही वह आपकी कामना परिपूर्ण होगी। ऐसे ही आठवां अध्याय सुरक्षा के लिए, किसी से आपको भय है या अनचाहे भय आपको सता रहा है या कोई ऐसी ऊपरी बात, तो आप आठवें अध्याय का पाठ कर सकते हैं जिससे भगवती की कृपा आपको प्राप्त होगी। नौवें अध्याय के पाठ करने से संपत्ति, धन धान्य आदि का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो नौवां अध्याय भी बड़ा विशेष है, आप इसका पाठ करते हैं भगवती के सम्मुख तो संपत्ति की, वैभव की आपको प्राप्ति होती है। दसवां अध्याय शक्ति और संतान सुख के लिए, संतान का सुख आपको प्राप्त नहीं है, शक्ति आप चाहते हैं, सामर्थ्यता आप चाहते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा आप चाहते हैं, दसवें अध्याय का आप पाठ करें, निश्चय ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। ग्यारहवां अध्याय भुक्ति मुक्ति तथा आगामी चिंता निवारणार्थ यह पाठ है, यानी अगर कोई चिंता है उस चिंता को दूर करने के लिए यह पाठ किया जाता है। मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए इस पाठ का आप भगवती के सम्मुख नित्य इस पाठ को पढ़ें तो निश्चय ही आपको आपकी जो चिंताएं हैं दूर होंगी और भगवती की शरण आपको प्राप्त होगी। बारहवां अध्याय रोग निवृत्ति और निर्भयता के लिए, कोई रोग है, विशेष रोग है या कोई रोग बहुत समय से आ रहा है, बार बार घर में परेशानियां बीमारियां रहती हैं, तो आप बारहवें अध्याय का पाठ कर सकते हैं, रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ऐसे ही तेरहवें अध्याय का पाठ इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, या कोई आप यात्रा पे जा रहे हैं तो उस समय आपको कवच का पाठ कर लेना चाहिए, वह आपकी कामनाएं सिद्ध हो जाएंगी, वह यात्रा आपकी मंगलमय रहेगी। तो इस क्रम में जो 13 अध्याय हैं अलग अलग उनका फल है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम 9 दिन का पाठ करें तो बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उनमें कुछ नियमों को हमें ज़रूर मानना चाहिए। सबसे प्रथम सत्य हमें इन 9 दिनों में बोलना चाहिए, झूठ कभी ना बोले, हमारी जो वाणी है मधुर होनी चाहिए। खान पान में विशेष हमें ध्यान रखना है, बाहर का नहीं खाना चाहिए, खानों में शुद्धता यानी जो हम भोजन करें उसमें शुद्धता होनी चाहिए, लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि घर में प्रयोग ना हो, बासी जूठा भोजन आदि न स्वयं ग्रहण करें ना किसी दूसरे को दें। 9 दिन में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए, प्रतिदिन गौ माता को गोग्रास देना चाहिए, काम क्रोध लोभ मोह आदि से भी आपको बच के रहना चाहिए। यदि आप संस्कृत जानते हैं तो संस्कृत में पाठ करें, अगर आप संस्कृत नहीं जानते हैं तो आप हिंदी में पाठ करें, क्योंकि एक शब्द मात्र की त्रुटि, एक बिंदु मात्र की त्रुटि अर्थ का अनर्थ कर सकती है, तो आप अर्थ को पढ़ें, यानी जो हिंदी में लिखा हुआ है बड़ी शुद्धता के साथ, बड़े प्रेम और भाव के साथ शीघ्रता ना करें पाठ में, कभी भी उतावलेपन से या तीव्र तीव्र यानी तेज स्वर में भी पाठ नहीं करना चाहिए, ना मन मन में पाठ है मध्यम स्वर जो आपको आवाज़ आती रहे, दूसरा उसको ज़्यादा ना सुन सके, तो इस क्रम में पाठ करने का विधान है। यदि आप नवरात्रि का पाठ करते हैं तो आपको
भूमि पर अपना बिस्तर लगाकर भूमि पर ही शयन करना चाहिए। कोई हम विशेष अनुष्ठान करते हैं तब, यदि आप नॉर्मली सिंपल पूजन करते हैं यानी साधारण रूप से व्रत रखते हैं, साधारण पूजन करते हैं तो आप सो सकते हैं, लेकिन आप विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं या विशेष पूजन कर रहे हैं तो आपको नीचे सोना चाहिए। तो बड़ा ही भगवती का विस्तार पूर्वक विधि विधान है, लेकिन सरल रूप से सहज रूप से कैसे आप कर सकें यह हमने प्रयास किया है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने का। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और अपने चेहरे पर प्रसन्नता रखें, आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।